हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड योर फैमिली ऑन आवर चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा हमने प्रकृति और मनुष्य के आपस के संबंधों को बात की है और ये समझने की कोशिश करी है कि दोनों एक दूसरे से कितना जरूरतमंद हैं। ये पौधे, ये पेड़ दोस्तों मनुष्य की अंतिम यात्रा तक में साथ रहते हैं। ये इतने वफादार हैं, ठीक है। पुष्प भी काम आते हैं, लकड़ी भी काम आती है और ये बिल्कुल मनुष्य के आसपास ही रहना चाहते हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में हम मनुष्यों ने किसी भी वजह से, वो अलग विषय है, हमने इनसे दूरी बनाई और नतीजा हमको क्या मिला? कार्डियक, डायबिटीज, कैंसर, ये सब मिला दोस्तों, पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेज। तो ये वक्त फिर से आ चला है जब हम इसको समझ ही गए हैं, इनके महत्व को, इनके से दोस्ती से फायदों को, तो दोस्तों हमको वापस लौटना ही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाली जनरेशन ये गलती ना करे, ये हम ही को देखना होगा, ठीक है। तो हमें डेली बेसिस पे उनको अपडेट करना पड़ेगा, उनको महत्व बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम जिस पौधे की चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद स्वभाव से सरल है। सरल जब बात करते हैं दोस्तों कि उसको पालन पोषण करने में, मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगता, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं मांगता, बहुत ज्यादा वाटर नहीं मांगता, ठीक है, बहुत ज्यादा धूप नहीं मांगता, ठीक है। तो ऐसा प्यारा न्यारा प्लांट कहाँ होता है जल्दी। तो दोस्तों, आज जिस हम प्लांट की चर्चा करने वाले हैं, मैं आपके सामने उसको लाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट है और ये हैंगिंग प्लांट है। देखें, ये इसका नेचर तो दोनों है, हम लोग बॉटल में भी लगा सकते हैं जैसे मनी प्लांट लगाते हैं, और ये इसको हम हैंगिंग में भी रख सकते हैं दोस्तों। तो ये उन लोगों के लिए, सबके लिए तो है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास जगह की कमी है, कि वो गमले में रखें कहाँ कम है, जहां पर उनको ये दिक्कत होती है कि उनके घर में धूप प्रॉपर नहीं आती है, तो ये क्योंकि धूप को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता दोस्तों। तो ये इतना प्यारा है प्लांट है, ये पूरे घर की अलग ब्यूटी को देता है, उस जगह को अलग ब्यूटीफुल बना देता है जहां पर ये रहता है दोस्तों। मैंने इसको अपने लान में लगाया हुआ है और इसकी उम्र अगर बात करें तो 4-5 महीने है, 4-5 महीने का पहले प्लांट किया हुआ पौधा है ये। आज मैंने जब आप लोगों से बात करने के लिए वहां से उतारा तो वो जगह इतनी सोनी लग रही है जिसकी की चर्चा करना बहुत मुश्किल है, और मुझे वहां पर जाकर फिर दोबारा बहुत दुख हुआ, इतना इन्होंने भरपाई और वहां पर इन्होंने इतना मनोरंजन कर रखा है। तो दोस्तों, ये पौधे के केयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पौधा पानी बहुत कम चाहता है। अगर हम उसको समयबद्ध करें तो नॉर्मल डेज में आप 7 डेज में दीजिए, वीकली बेसिस पे नॉर्मल दिनों में। बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, पहली बात इसको धूप से, जहां पर धूप आती है वहां से हटा देना होगा, अदरवाइज इसकी पत्तियां बहुत तेजी से सूखने लगती हैं, ठीक है। तो ये सनलाइट को बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इवन ब्राइट सनलाइट को भी नहीं, ठीक है, उसको इससे इसको परेशानी होती है। तो शेडी एरिया का प्लांट है दोस्तों, इसमें पानी हम 7 दिन पे वैसे दें, हाँ गर्मियों में दूसरे तीसरे दिन दे सकते हैं दोस्तों। इसकी अगर सॉयल तैयार करने की बात करें, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं जब लगाने चले, तो बस 30-40% हम जनरल मिट्टी ले लें, 30-40% बालू ले लें, बाकी दोनों 20% कौडंग ले लें, और आधा चम्मच अगर हम इसमें लकड़ी की राख भी डाल दें तो उससे जो एंटी फंगल और वो पेस्टिसाइड का काम करता है दोस्तों, ठीक है, इसमें पोटेशियम वगैरह तो होता ही है, तो ये दोनों तो जिन मिट्टी में अगर कोई कोई इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उनको भी वो सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों, ये इतना अच्छा प्लांट है कि एक बार अगर आपने इसको फर्टिलाइज कर दिया तो बहुत लंबे समय तक जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो महीने में एक दिन एक आध दो चम्मच आप पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है, या उसको भिगो करके उसका पानी इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूं इसको कि मिट्टी हमारी काफी सूखी हुई है, मैं इसको नीचे रखता हूं, लगभग 15 दिन हो चुका है इसको मुझको पानी दिए हुए, और इसकी आप ब्यूटी देख रहे होंगे। हाँ, इस बीच मैंने जरूर किया कि वाटर से स्प्रे करते रहे हफ्ते में एक दिन। तो दोस्तों, आज इसको पानी देने का समय है, आज मैं इसको पानी दूंगा, ठीक है, और इसको अच्छे से स्प्रे भी करूंगा, फिर ये हफ्ते 10 दिन के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहेगा पौधा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। तो दोस्तों, पानी का मैंने चर्चा कर ली, मिट्टी की चर्चा कर ली, इसका टेम्परेचर की भी आपसे चर्चा कर ली, और इसको इतना अच्छा है तो अगर मैं बात करूं इसको लगाने की, कैसे हम लोग इसको लगाएं, तो इससे ज्यादा सरल शायद ही कोई पौधा हो
जो कि आसानी से लग जाता है। ये देखिए मैंने दूसरे एक पॉट में लगाया है, अभी मुश्किल से 10 to 15 days हुए होंगे और इसमें पत्ते बढ़िया बढ़िया निकलने लगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसको बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ नहीं, ये सिंपल सी मिट्टी है जैसा मैंने इसका मिट्टी तैयार किया था। मैं इसको और घना बनाने के लिए इसमें दो पौधे दो तीन स्टेम्स और डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा और घना हो जाएगा। और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने एक होल किया और ये जो मैंने पहले से रखा है, बस तरीका यही होना चाहिए। हमें ये देखना है कि इसकी जो नॉड है वो जमीन के अंदर जाए, वो जमीन के अंदर रहे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्लांट कर दिया दोस्तों, ठीक है। और एक दूसरा मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया, ये थोड़ा सा घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। आने वाले 3-4 महीने के बीच में ये प्लांट भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। इसको हम लोग कहीं भी घर के अंदर टांगे और बाहर लान में टांगे जहां पर इसको बहुत ज्यादा धूप का इम्पैक्ट ना हो। इसके बाद जब लगाते हैं दोस्तों तो हमेशा हमने बताया कि इसको पानी दे दीजिए, ठीक है। पानी हमेशा स्प्रिंकल करके दीजिए, ठीक है, छिड़काव करके, ना कि पानी ऐसे भर दीजिए। उससे क्या होगा कि पानी हमको जो तरीका होता है किसी प्लांट को, पौधे को प्लांट करने का, इसको पहले हम स्प्रे कर दें। खासकर ये पौधे जो बहुत ही मुलायम हैं, जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरे तीसरे दिन ऐसे करते रहें, फिर क्या होगा वो धीरे धीरे जड़ें आ जाएंगी, उसमें आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों जितना इतना सरल स्वभाव का इस पौधे पे जो मैंने आपसे चर्चा की, ये बहुत रोचक जानकारी है। और आपके घर में अगर आपने 2-3-4 प्लांट तैयार कर लिए तो पूरा घर का रौनक बदल जाएगा उस एरिया के। दोस्तों ये जो पॉट है जिसमें मैंने प्लास्टिक में लगाया, इट कॉस्ट हार्डली 50-60 rupees टू यू, ठीक है, एंड गिव्स अलॉट ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड मनोरंजन। दोस्तों इनको देख करके ही खुशी होती है, इनको देख करके ही काफी चैन लगता है। इसलिए भी इनका जो रंग है इनका, आप देखिए प्रकृति इनको कैसे दिया है। देखिए इधर पीछे की जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल पर्पल कलर की हैं, और बाकी बाहर देखो, बाहर देखा जाए तो इसमें ग्रे कलर और पर्पल दोनों हैं। ये पूरे घर को आप, घर के आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने शेयर की आपसे, ठीक है, ये बहुत काम आएगी। और ये जो मिलता कहाँ है, कहीं भी आप जाएंगे नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी आप सके संबंधियों के यहाँ कर देंगे तो एक टहनी ले लीजिए उसकी, उसमें बड़ी सी, उसमें 4-5 निकल जाएंगे, एक पॉट आपका तैयार हो जाएगा। फिर इससे आप कितने भी बना लीजिए, फिर आप इससे कितने भी बना लीजिए। इसका सीधा तरीका है मैं आपको बताता हूँ। एक टहनी आपने यहाँ लिया, ठीक है, एक टहनी ये देखिए मैंने ले लिया, ठीक है, एक टहनी ले लिया, बस यहां से ऐसे कट कर ले जहां पर नॉड हो, नॉड के नीचे, नॉड के नीचे कर ले। अब ये, और ये जो पत्ती मिट्टी को टच करने वाली है उसको हटा दें, नहीं तो फंगस पैदा हो जाएगा इसमें, ठीक है, नमी से। अब इस चीज को हम पूरा मिट्टी के अंदर डाल करके पानी का स्प्रे कर दें और ये आने वाले 7-10-15 दिन में बढ़िया से खिलने लगता है दोस्तों, बढ़िया बढ़ने लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों मजा आएगा आपको ये प्लांट लगा करके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जिस पौधे के बारे में हमने आपसे इतना डिस्कशन किया, जिसका कि नाम वांडरिंग जू है, क्या नाम है, वांडरिंग जू, वो बहुत ही आपको खुशी देगा, संतोष देगा और आपके घर की ब्यूटी को बढ़ाएगा दोस्तों। और इतनी सारी जानकारियां जब आप पाए हैं तो आप इसको यूटिलाइज जरूर करिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी थ्रू द कमेंट्स, आई विल इमीडिएटली रिवर्ट यू फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि जब आप इसको लगा लेंगे और ये पूरा अच्छे से बढ़ जाएगा तो यू विल थैंक यू टू आवर चैनल अयोध्या गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।